है कि ए, और रीजन क्या है? पिछले बार जो सर बना था बी वाला हो, बोरॉन हाँ पे हो रहे थे, बी वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्यों बोल सकते हो? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ज्यादा है इसीलिए पहले पाई बॉन्ड को चेक करने का रहता है, तो बी ज्यादा स्टेबल रहेगा ए से। बहुत जन वहां पे गलती करते हैं, लोग दिखता नहीं उधर, लोग लगता है अरे इधर चार्ज ही नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये स्टेबल है करके, लेकिन वैसा नहीं है। पाई बॉन्ड को गिनना पहले, फिर चार्जेस को नोटिस करने को जाओ। यहाँ पे आपको ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ऑफकोर्स पहले ये आना चाहिए, वो भी मैं आपको बना के देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे आना चाहिए स्ट्रक्चर? तो मैं हमेशा ये नाइट्रोजन का ही बना देता हूँ, ये नहीं आएगा, ये इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा सबसे पहले, फिर ये ऑफकोर्स ये लोन पे इधर आएगा, तो इसकी वजह से इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन ये एकदम जल्दी ये ट्रांजिशन करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसकी वजह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, इधर आएगा एक सिंगल बॉन्ड ए हो जाएगा, ये ऑक्सीजन होएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, तो सॉरी इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन रहेगा इस पे अब इसमें कौन स्टेबल रहेगा? ए बी, बी तो आपको देखेंगे ही नहीं, और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ए रहेगा, क्योंकि ए न्यूट्रल है एज कंपेयर टू। नेक्स्ट वाला ट्राई करना, सब बी में भी एन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? हाँ सॉरी, वो बनाया नहीं मैंने, बी मतलब होता ही नहीं एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन ठीक है बनाना। चलो सबसे पहले कॉन्जुगेशन आप कौन से भी साइड से कर सकते हो, चलो मैं इस तरफ से करता हूँ, ये इधर चला जाएगा तो ये जाएगा कहाँ पे? इधर, ओके। लेकिन आपको पता है ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसकी वजह से डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा डायरेक्टली राइट के साइड में, उसका और एक एक रीजन, लेकिन वो रीजन हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं उसमें। डबल बॉन्ड सीधा इधर बना रहा हूँ मैं, वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर बराबर है क्या पहले वो सोचें। ऑक्सीजन पे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर इज गलत। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, तो ये एरो का डायरेक्शन गलत है। किधर जाएगा ये? इस तरफ। एंड ये कहाँ पे जाएगा? इधर, तब जाके इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है? अब इधर सोचो ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पे जो कार्बन रहेगा इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? नेक्स्ट में ये लेफ्ट साइड भी हो सकता था, इस तरफ भी हो सकता था, ये यहाँ पे कैसा आएगा स्ट्रक्चर? सेम बनाओ, ये इधर आ जाएगा सेम, ये ऊपर O माइनस, यहाँ पे ये
एक और एक स्ट्रक्चर हो सकता है, दोनों के एक साथ होएगा। मतलब क्या, ये देखो, एक एक डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन चोरी करेगा, तो इसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज। सपोज इसने इसको स्टील किया, ये वाले को इधर उठा लिया, तो दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, ये साइड वाले बॉन्ड को उठा लेगा इधर, तो ये भी एक स्ट्रक्चर। तो ये सब जो एग्जांपल दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल है, मतलब एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स में ये सब आता है। इधर करना क्या है, बहुत जन को समझता ही नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होएगा, के बाद ये आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो, ये एग्जैक्ट हो क्या रहा है, मैं इसको जरा इधर ये एरो के साथ बता देता हूँ। ओके, इसमें हो क्या रहा है, मैं एक रेड के साथ बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले चीज क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड को आपके पास शिफ्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड को इसकी तरफ शिफ्ट, ये लास्ट स्ट्रक्चर जो है के लिए जस्ट समझाने के लिए बना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल। चलो फिर इसके बाद है ये वाला, ट्राई करो। चलो ये वाला ट्राई करना, सबसे पहले कौन किसको खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होएगा इधर, सबसे पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वेरी गुड। फिर ये कहां पे शिफ्ट होने वाला है, ये आगे शिफ्ट होएगा ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड हो गया इधर, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये कार्बन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा बताओ, प्लस सीएच किधर आएगा, वेरी गुड, ये डबल बॉन्ड प्लस किधर जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये सीएच टू, फिर नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ऊपर जाएगा, प्लस कैसे ऊपर गया सर, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना अभी, हाँ हाँ सी के बराबर, सॉरी मेरा गलत है, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर और किसके बीच में हो सकता है, प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, नहीं इसके ऊपर अभी वापस अटैक नहीं कर सकते, वापस फिर पुराना स्ट्रक्चर होएगा। तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, ऑफकोर्स ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक इसमें क्या कर सकते हो मालूम है क्या, अगर आपने इस तरफ से शिफ्ट किया, इस तरफ से, ये भी पॉसिबल है ना, इस तरफ से भी हो सकता है ना, जरा ट्राई करके देखते हैं, इस तरफ से ट्राई करते, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, इधर एक ये आ गया, ऑक्सीजन जो है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे स्विच हो जाएगा, फिर सी एच टू पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा,
अब चेक करें ये दो स्ट्रक्चर किसे सिमिलर है क्या, ऑफकोर्स नहीं। अगर अभी आप सोच रहे रहेंगे देखो इसके और इसके बीच में कॉन्जुगेशन है नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे आएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे रहेंगे कि ये इधर जाएगा, चलो मैं वो भी बना के देता हूँ, जरा सोचो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर नहीं, नहीं स्ट्रक्चर नहीं है। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, पाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर ये फोर्थ स्ट्रक्चर जो है ना उसमें CH2 में डबल बॉन्ड कैसे, ऑलरेडी था ना ये पहले से, ये जस्ट इसको एक ऐसा तरीके से स्टार्ट किया और इसको उधर। चलो फिर आता है, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक्चुअली मेंस के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है क्या, कि ये जो कार्बन है इसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको आइडेंटिफाई करना है कितना ऐसा पोजीशन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पूरे इसमें ये क्वेश्चन है, ध्यान दो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ओके सबसे पहले अटैक किधर किधर से हो सकते हैं, सबसे पहले चेक करो कॉन्जुगेशन किसके बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज और कॉन्जुगेशन किसके बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे स्विच होएगा, किधर स्विच होएगा, जिसके वजह से क्या होएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्लियर है सबसे पहले, याद रख। अब जरा चेक करो ये पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ऊपर वाला डबल बॉन्ड। हाँ ये डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड आगे स्विच होएगा ना, ये इधर जाने के वजह से, देखो समझने का ट्राई करो, ये इधर स्विच हुआ है तो ये इधर स्विच होएगा ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, पहली चीज यहां तक क्लियर है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे स्विच हुआ तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब और कोई कॉन्जुगेशन हो सकता है, अब होएगा क्यों कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो कितना पॉसिबल इसमें, सिर्फ तीन। जरा देखो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वैसा, ठीक मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऑफकोर्स ये डबल बॉन्ड यहाँ पे स्विच होएगा, ठीक है, तो ये होएगा एक दो, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होएगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर स्विच होएगा ताकि ये चार कार्बन हो, तो से इतना बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम में करके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होएगा, डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है तो ये इधर स्विच होएगा, तो वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या होएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर अरे इधर, ठीक है, और किधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर इसके वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। टोटल कितना आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ तीन जगह पे आ रहा है पॉसिबल, और किसी में जो कॉन्जुगेशन नहीं है ना यार, नॉट द चांस ही नहीं। अगर आप बोलोगे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नहीं, कार्बन का चार बॉन्ड है यार, नहीं आएगा।
चलो फिर एक और क्वेश्चन है ऐसे सेम टाइप का. चलो ये दिया है, ज़रा ध्यान से अभी आपको आई होप बनाने आया रहेगा. जरा इसको है ना एक साथ बनाने का ट्राई करो, इतना सारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ मत, एक साथ जरा ट्राई करो बनाने को, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन ठीक है ट्राई करो. तो दिमाग को थोड़ा जोर ज्यादा देना पड़ेगा. सबसे पहले आप सोचो कौन किधर स्विच होएगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होते रहेगा. थोड़ा दिमाग पे थोड़ा जोर ज्यादा लगा हो जाएगा. सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे शिफ्ट होएगा, इस तरफ. ये इस तरह स्विच होने की वजह से ये कहाँ पे स्विच होएगा, यहाँ पे. ओके तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसे दिखेगा, इधर बना लेते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इधर और इसके बीच में. नेक्स्ट पार्ट में कौन किधर शिफ्ट होएगा जरा देखते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, इधर शिफ्ट होएगा. तो देखो है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये इधर आ गया, बराबर है. तो ये एक फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये पांच हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो किसके बीच में कॉन्जुगेशन होएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक सेकंड रुको, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो चार बॉन्ड हो गया. अब तो ये इधर जा नहीं सकता है. ओके इसमें ना क्या लॉजिक है पता है क्या, एक सेकंड ठीक है, एक इधर पॉजिटिव आया. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, जब ये ट्रांजिशन होएगा ना, ये वाला पार्ट का ट्रांजिशन होएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर एक, इसको एज इट इज रहने दो, इसको मत बदलो अभी. इसको चेंज करोगे, ये वाले को चेंज करोगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये हो गया किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब क्लियर है, पहले आपने क्या किया था, ये वाले को मूव किया था. अब इधर आप किसको मूव कर रहे हो, ये वाले पार्ट को मूव कर रहे हो, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया. अब लास्ट पार्ट में क्या होएगा, ये आगे शिफ्ट होएगा. इसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो टोटल कितना जगह है सर, चार जगह है जहां पे पॉसिबल है. थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स से देखो, ये नहीं जाएंगे. स्पेशली डायरेक्ट बनाने को आना चाहिए लेकिन मेरे को तुमको लग रहा है आपको समझेगा करके डायरेक्ट बनाना नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, ये एग्जांपल्स ट्राई करो बस. ये ट्राई करना, इसको एंथ्रेसीन बोलते हैं. ट्राई करो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना.
सबसे पहले कॉन्जुगेशन किसके बीच में होएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच स्विच करो, इसको इधर स्विच करो, तो ये यहाँ पे गया, ठीक है। फिर ये कहाँ पे स्विच होएगा? इधर स्विच होएगा। ये पार पे स्विच होने वाला है, इधर स्विच होएगा यहाँ पे। ये अब इसको क्या करो, आगे स्विच करो। ये कहाँ पे जाएगा? इधर। ये कहाँ पे जाएगा? इधर। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आगे स्विच होएगा। और ये कहाँ पे चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा। एंड ये कहाँ पे स्विच होएगा? अब देखो, अगर आपने ना यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बनाया रहता ना, तो क्या गलती होएगा देखो। सपोज आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे बनाया हुआ रहता, तो ये जो कार्बन है इसका कितना बॉन्ड हो रहा है? 5 बॉन्ड हो रहा है। इसके लिए आगे जाएगा, ये ट्राई करना। ये एक्चुअली एंथ्रेसीन है मेरे हिसाब से, ऊपर वाला नफ्थलीन। ओके तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सबसे पहले जो क्या करो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो, तो राइट की तरफ शिफ्ट करो। तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सबसे पहले 1, 2, ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो वापस ये क्या आएगा? ये मैसेज फैक्टर, ये इधर आ जाएगा। ये कहाँ पे चला जाएगा? आगे चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ये जो है ये कहाँ पे स्विच होएगा? इधर। अब क्या करो, इसको आगे की तरफ स्विच करो, तो ये वापस क्या होने वाला है? वापस ओ रिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये इधर गया, ये कहां पे स्विच होएगा? लेफ्ट की तरफ। ये कहां पे स्विच होएगा? राइट की तरफ। ये आज से आएगा। अब इसको क्या शिफ्ट कर सकते हो? इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, पूरा चेंज होएगा। ट्राई करो, सेम स्ट्रक्चर आएगा तो मतलब कुछ तो गलत किया। तो देखते, ये आगे स्विच हुआ, ये कहां पे जाएगा? ये इधर चला गया। नहीं, इसके और इसके कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ पे स्विच होएगा? जरा सोचो, एक इधर शिफ्ट होएगा करके। ये इधर स्विच होएगा, चलो इधर स्विच होगा। तो ये कहाँ पे जाए? तो वापस पुराना नहीं, ये चेंज हुआ है क्या? कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नहीं, देखो ना, इधर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देखो, इन दोनों के बीच में नहीं, एक यूनिट का गैप है, तो कर सकते हो। चलो ट्राई करो, इधर स्विच करना है इसको राइट की तरफ। ये कहाँ पे जाएगा? इस तरफ। ये जाएगा इधर, एंड ये जाएगा इस तरफ। ये यहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे चला जाएगा? इधर चला जाएगा। एंड ये कहाँ पे जाएगा?
स्ट्रक्चर से सिमिलर है क्या ये? हाँ, आपको ये स्ट्रक्चर से देखो ये सिमिलर हो गया ना, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। चल अब हमने क्या किया था, इसको राइट के साइड पे मूव किया था, अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करके देखेंगे क्या एक करके। लेफ्ट की तरफ मूव किया तो ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे स्विच होने वाला है। ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो ये आ गया ए, ये आया बी, ये सी और ये डी। अब इसमें से आपको पूछा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल रहने वाला है? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब ये शायद आपको पता नहीं रहेगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये वाले पार्ट में दो बेंजीन का रिंग्स बन रहा है, ठीक है, एक इस तरफ एक बेंजीन का रिंग बन रहा है और एक इस तरफ एक बेंजीन का रिंग बन रहा है। ये स्ट्रक्चर में वैसा है, वैसे इधर भी देखो ये वाले पार्ट में दो बेंजीन का रिंग्स है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो ए और बी ये इक्वली स्टेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो बेंजीन रिंग्स है। ये ऑफकोर्स किससे ज्यादा स्टेबल रहेगा, सी इक्वल टू, इसका रीजन लिखना यहां पे दो बेंजीन रिंग्स। हेलो प्रियांश, सॉल्व करना, बोलो। ए में सेकंड पार्ट बेंजीन कैसे है? ए में सेकंड पार्ट बेंजीन कैसे, देखो ना यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है ना, बाकी का दो भी डबल बॉन्ड है ना? ये ट्राई करना, ट्राई करो, ये जैसे पहले हर एक डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है और कहां से भी चालू कर सकते हो, जैसे पहले आप क्या करो इसको एक इस तरफ शिफ्ट करके इसको जल्दी निपटा देना, इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। ये तो देखो लेफ्ट साइड पे जल्दी खत्म हो जाता है तो इसको जल्दी खत्म कर देना हमेशा, ये एज इट इज आएगा। अब आप क्या करो इसको राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये साइड का बना लेना, ये रिंग तो एज इट इज आएगा, जो रिंग एज इट इज उसको पहले बना लेना, इसमें कोई चेंज ही नहीं है।
ये इधर गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये वाला पार्ट ये आगे स्विच होने वाला है, ये आगे स्विच हुआ, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ये पार्ट अगर राइट में स्विच हुआ इसको मूव करके कोई सेंस नहीं निकल पाएगा। ये इधर आ गया, इसको इधर स्विच करो, एक यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे स्विच होएगा एंड ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। कार्बन को चार बॉन्ड है, हाँ तो कार्बन को चार बॉन्ड है, तो इसको एज इट इज बना लो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेंजीन रिंग को अल्टरनेट कर सकते हो क्या, इसको इस तरह शिफ्ट करके देखो, इसको इसको इस तरह शिफ्ट करना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये यहाँ पे वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर तो वापस वही स्ट्रक्चर हो गया। फिर और कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है क्या यहाँ पे, दो तीन ठीक है, इतना ही स्ट्रक्चर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना ही पॉसिबल है, और कोई स्ट्रक्चर ठीक है, इतना ही बना के रखो। ये बेग आएगा, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये आगे स्विच होएगा इधर, ये यहाँ पे स्विच होने वाला है, ये पॉसिबल है, तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया। और कुछ पॉसिबल है क्या, ये आगे जाएगा ठीक, तो इसको ये इस तरफ शिफ्ट करके देखो, इधर डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसके बाद ये इधर स्विच होएगा, ये आपके स्विच होएगा, फिर इसके बाद और कुछ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है क्या, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड को इस तरह स्विच किया जा सकता है, तो ये इधर आएगा, फिर इधर आने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये आगे स्विच होएगा इस तरह, एंड ये
सर ये सेम बन गया ना? कौन सा सेम बन गया सर? ये अभी बनाए हम लोग ने ये इसके साथ, देखो चलो इसका नाम देता हूं मैं, ए बी सी डी, सॉरी इसको डी देते और इसको ई देते, सी और ई और डी सेम हो गया ना सर? सी और डी ना, सी और डी, हां सी और डी सेम हो गया। आप क्या किया है? नहीं सर सी में उधर दो बॉन्ड्स है, सेम ही है, सेम ही है, ठीक है चलेगा, ये मत बनाओ, ये जस्ट चार ही बना ले। जब लोग आंसर बोल रहे हैं कि पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो पता नहीं पांचवा कैसे आया करके, दो तो इतना सर, तो अगर ए में जो बीच वाला है वो राइट साइड में ऊपर लेके गए तो? राइट साइड में ऊपर लेके गए, ये बी का स्ट्रक्चर का बात कर रहे हो? ए ए ए में इसको राइट की तरफ ऊपर, जरा वो ट्राई करते एक सेकंड, दो ट्राई करते। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको ऊपर की तरफ लेके गए, ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बना, मेरे को क्या मालूम है, मेरे को ऐसा गलत है करके, देखते जरा देखते चलो, ये आ जाएगा, इसके वजह से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, ये यहाँ पे, हाँ ये एक आएगा, ये मुझे तभी लगा ये गलत है करके, ये आ सकता है ये वाला, तो आएगा पांच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मेरे को इधर ना ये जो था ना ये पार्ट, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा था कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको तीन बॉन्ड है करके, तो वो मेरे को इधर कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बाकी सब जगह जो कार्बन है ना सब जगह चार बॉन्ड है। नहीं सर ये रॉन्ग हो रहा है, शायद से पांच बॉन्ड बना रहा है कार्बन। नहीं इधर ना जो ऊपर वाले कौन? हाँ ये देखो, नहीं हाँ ये वाला ना, देखो ये पांच बॉन्ड बना रहा है, तो ये अगर इसको आगे स्विच करना पड़ेगा, ये वाले को आगे स्विच करो, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर वही गलती हो रहा है।